सुहास सर, इस समय क्या कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी है क्या? कुछ शेयर्स हैं जिस पे नजर है, जहां पे कुछ किया जा सकता है? सर आई एम लुकिंग, जो ऑटो सेक्टर है वो मुझे बॉटम आउट लग रहा है। ऑलमोस्ट ऑल ऑटो सेक्टर हैविंग वेरी गुड रिवर्सल पैटर्न ऑन द चार्ट, तो आई सजेस्ट टू एक्युमुलेट आइशर मोटर ऑन करंट लेवल। आइशर मोटर और ये स्टॉक ही सर ऐसा है जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बुलेट रिमेन्स बुलेट, राइट? तो गो फॉर आइशर मोटर इन ऑर्डर। क्या स्ट्रेटेजी है सर, क्या कर रहे हैं आइशर मोटर में? You can invest in, you can accumulate on every dip. 3000 से 3200 very good level for accumulation. ठीक है, और क्या targets हैं, time frame क्या है? Looking for a new all time high. New all time high? It's a stop loss of 3000. Wonderful. तो all time high में कल तो 3750 के आसपास रहा होगा सर इसका? Yes, yes. Almost 3800 something. 3800, ठीक है, तो वापस से उन लेवल्स का, इन व्हाट काइंड ऑफ टाइम फ्रेम सर, इफ आई मे आस्क अगेन? 1 से 2 मंथ्स, 1 से 2 महीने का नजरिया आइशर मोटर्स में हर डिप में खरीदारी की राय। 3800 और उसके ऊपर के लेवल्स फिर से देखने को मिल सकते हैं कह रहे हैं सुहास सर। प्लीज कैरी जस्ट एक स्टॉप लॉस ऑफ द 3000, राइट? उसके नीचे डेली के ऊपर क्लोज हो, जस्ट एग्जिट। ठीक है, 3000 का कह रहे हैं स्टॉप लॉस सर? 3000, 3000, यस सर, 3000, 3000 का स्टॉप लॉस लगा करके, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो उस पे नजर रखेंगे। अगर वो नहीं ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं वापस से ऊपरी लेवल तेजी के साथ में 3800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं आइशर मोटर्स में। और रीजन बता दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल का, बुलेट के शौकीनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनको बैटरी वाली बुलेट नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि बुलेट में अगर आवाज नहीं आएगी तो फायदा क्या है? अगर वो अगर वो फायर ही ना करे तो फिर कैसे बुलेट है? तो बुलेट तो जी, ठीक है, ये बढ़िया है। तो चलिए आइशर मोटर्स पे रखेंगे ना।